पांच गेंद में मात्र चार रन अब तक इस ओवर में। आखिरी गेंद पर एक बड़े शॉट की तलाश होगी बल्लेबाज को। बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक रन पे गणेश, गेंदबाज गेंद के साथ तैयार चेतन चिंस्कर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, विकेट कीपर उसके नीचे, एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ, दूसरा विकेट, डबल विकेट ओवर दिए चेतन चिंस्कर का। ओवर के ऊपर समाप्ति, दो ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। दो ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर मात्र 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन अब 24 गेंदे, 41 रन रिक्वायर्ड रेट अब बिल्कुल 10 के ऊपर पहुंच चुका है। 24 गेंदे, 41 रन, यह समीकरण है फिलहाल मुकाबला जीतने के लिए टीम गानंद को। पहली गेंद अजय के पुल करने का प्रयास, एक बार फिर सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बड़ा विकेट, दादा पाटिल बैक टू द पवेलियन। तीसरा झटका लगता हुआ टीम गानंद को दादा पाटिल के रूप में। उमेश बेरगर ने बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर मात्र 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अजय, उनके सामने बल्लेबाज है उमेश। फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत में है टीम गानंद के। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है उमेश का, खिलाड़ी वहां पर तैनात के लिए सलून के, एक और विकेट, लगातार 2 गेंदे, 2 विकेट। अगर इस गेंद पर विकेट मिलता है तो अभिजीत पाटिल जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम है गेंदबाज अजय के लिए। लगातार 2 गेंदे और 2 निर्णायक विकेट मिल चुके टीम माइनी को। अशोक नए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 41 रनों की अभी भी आवश्यकता। हैट्रिक पे गेंदबाज अजय, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, एक बार फिर खिलाड़ी उसके नीचे और हैट्रिक यहां पर पूरी होते हुए, लगातार 3rd विकेट अजय के लिए। इसी के साथ 200 रुपए का उनको इनाम निश्चित रूप से मिलेगा। विकेट मिलता हुआ अशोक आउट होकर वापस, लगातार 3 गेंदे और 3 विकेटें मिलते हुए गेंदबाज अजय गोडसे को। बल्लेबाज आकाश सब मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर देखिए, विकेटों की बात की जाए तो इस ओवर में 3 विकेटें और
पांच विकेटों के नुकसान पर 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 9 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गेंदबाजी